हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कुछ फनी प्रैंक्स, तो हो जाइए तैयार। आज हम सुबह सुबह कॉफी पीते हुए अपने हॉलवे से जा रहे थे, तभी अचानक से कुछ बंदे भागते हुए दिखने लगे। समझ में नहीं आया माजरा क्या है, क्यों इधर उधर भाग रहे हैं। पहले देखता हूँ, ओ कॉफी तो फैल गई, मैं लुढ़क गया। ये चेरी जार्ड, बल्बासोर, डायनासोर कहाँ से मेरे पीछे पड़ गया। भागे जा रहा है। अच्छा, पैरों पर नजर नहीं जा रही इसकी, ये डर के भाग रहा है सिर्फ। लग तो ओरिजिनल है डायनासोर। बचाओ बचाओ, ये डायनासोर मुझे खा जाएगा। अब मैडम को देखते हैं, मैडम माया पौने टेल बना के जा रही हैं। इन्हें भी दिखता देखा, ये काफ़ी चालाक है और ये पेड़ के पीछे छुप गई। इसने सोचा कि डायनासोर मुझे देख नहीं पाएगा, मगर डायनासोर ने देख लिया और डायनासोर बुरी तरीके से भागा इसके पीछे। और डायनासोर ने यहाँ पे अति मचा दिया, आके बिल्कुल पिल्ले की तरह इसे वो कर रहा है, यही वाले एक्सप्रेशन है जो आएंगे किसी भी लड़की से अंदर इस टाइम पे। लाल पीले फूल लगे बैकग्राउंड में, प्यास लग रही है, पानी पी लेते हैं। ओ ये क्या है, ये प्रेशर है, ये तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है। देखते हैं क्लोजअप लुक में, पूरा गाल वाल मुंह वो सब उड़ा के फेंक दिए, जितने दिन से नहीं नहाई थी सारा मुंह धो दिया एक बारी में। ये अंकल जी आए। अंकल जी ने ज्यादा दिमाग लगाया और साइड से देखो क्या चालाकी भरे तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी पिया, मगर लेकिन कामयाबी ने भी नहीं मिली। ये देखो ये पानी की टंकी नहीं है, वृंदावन का फाउंटेन है, ऊपर तक जा रहा है पूरा। अंकल जी बस घर जाके पी लेना पानी, यहाँ को पानी के चक्कर में नाक में भर जाएगा सारा पानी, फिर छींकते डोलोगे। पानी चलाया इतना हाई प्रेशर, अबे ऐसे पानी की टंकी कौन लगाता है, वे हद कर दी इन्होंने, आँख में भी चला गया। इस बार आए हैं ब्रूस ली के भाई, कोशिश जारी। ओहो पानी रोक दिया बीच में, ये देखो जैसे चोरी कर रहे हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, बिल्कुल ठीक है, लग गया। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत तेज प्रेशर है, मैं पानी को पेप्सी की तरफ ही जाऊंगा कितना भी तेज प्रेशर हो। अंकल जी टोपी उड़वाएंगे अपनी, अः तेरी अब टोपी उड़ा के गंजी चांद के दर्शन करवा दिए पानी ने, टोपी के साथ साथ पूरा हिला के रख दिया अंकल जी को। पानी है बीमारी है। अगर आपको भी एलिवेटर से डर लगता है तो एक बार ऐसे एलिवेटर में जरूर ट्रेवल करें, और जो ये नीचे से खुल जाए आपका सारा डर निकाल देगा। ये देखिए स्लो मोशन में, पता ही नहीं लगा क्या हुआ, धरती ने अपनी बाहें खोल दी और ये उसमें समा गए। ये एलिवेटर नहीं है, ये हरिद्वार के वाटर पार्क का भी मजा दिलवा रहे हैं साथ के साथ, इसकी टिकट में ये भी इंक्लूड है। ये भाई आए हमारे हंसते हंसाते खिलते खिलाते, नहीं मैडम है तो, ओहो गलती हो गई। और ये धरती खुली, ओहो समा गई ये भी। बाल उड़ गए, वैक्यूम में चली गई और फिसलते हुए, ये तो डरी हुई है बिल्कुल सीधी नहीं हो रही। रोटेट करके और उठी, मैडम बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में से आ रही हैं। और आने के बाद मैं उसी एलिवेटर में गई और एलिवेटर ने अपने बाहें खोली और मैडम पूरी सॉफ्ट रह गई, टी शर्ट 55, मतलब उम्र 55 की, टी शर्ट 55 की। और ये कामयाबी 56 की, और बड़े ही टेढ़े मेढ़े तरीके से गोल घूमते घूमते होश में आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मीटिंग की अगली सदस्य ने भी एंटर करा और दोबारा वही हाल, वही हड्डी वही खाल, पुराना हाल। और इन्होंने ये सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है, जब दुखा ही रहे हैं तो उन्हें इजीली अपने गले से लगाएं और जाने दें हम जहाँ जा रहे हैं बहते हुए, बहती हवा सा था वो। मास्टर साहब हिसाब लगाते जा रहे हैं, ओ मास्टर साहब घुस गए जमीन में, फिजिक्स सारी निकल गई, ग्रेविटी ने सोख लिया बिल्कुल अपने अंदर। उठो वापस आओ, हिम्मत करो। अगली बारी निंजा हथौड़ी की, देखते हैं कैसे डील करेगी सिचुएशन को। पानी में तैर गई और निकल गई बाहर, और ये देखो स्लो मोशन में कैसे एकदम से झटका लगा। और बाहर आने के बाद इसने देखा, यार मैं तो नहा के आई थी, फिर मुझे दोबारा क्यों नहाया इन्होंने रास्ते में, मैंने तो साबुन भी लगाया था। अंकल जी आए रास्ते में, इन्हें देखा एक अजीब सा मैन होल कवर है और ये साइड से चले गए, बहुत ही चतुराई भरा डिसीजन, और ये बच गए किसी भी अनहोनी से, मगर इन्हें नहीं पता था कि पीछे की सीट खुल जाएगी और ये लुढ़क जाएंगे पानी के टब में। भैया नहा के नहीं आओगे तो ऐसे ही नहा दिए जाओगे ज़बरदस्ती, सर्दी है तो इसका मतलब ये थोड़ी स्किप कर दोगे। अंकल जी ने चालाकी तो बहुत दिखाई पर काम ना आई। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ कल्लू राजा कहाँ से आए तुम। हाथी की तरह समा गए, स्टेज फाड़ दी, इतना वजन इनमें, पानी में नहा गए, समा गए, डरा दिया सबको। सारे कपड़े भिगो दिए, कैसी स्टेज है ये, ऐसी स्टेज यहाँ भी होनी चाहिए। वाह क्या ग्रैंड एंट्री मारी है, सबको हिला के रख दिया, एंट्री हो तो ऐसी। अच्छा कितनों के साथ में ऐसा हुआ है कि अचानक कोई सामने से आ जाए और हम उसे देख के डर जाएं एक्सीडेंटली, जैसे कि ये डर गई मैडम अभी आप खोलते हो कौन है ये, अब ये दोबारा एक और एंट्री मारी फिर से डरा दिया, इसको डराने का ही काम है बस।
और ऐसा बहुतों के साथ में होता है, जब कोई हम जान नहीं पाते, अचानक से कोई आता है तो हम भी डर जाते हैं और वो भी डर जाते हैं। पर ये तो डरा ही डरा रहा है, खुद नहीं डर रहा। ये देखो मैडम यहाँ पे बात करनी है, मैडम को पता ही नहीं कोई इनके पीछे, जैसे पता लगा एकदम से डर गई, इतनी देर बाद जाके से पता लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है। वैसे इंडिया में होता कुट जाता है। सपोज करो आप स्ट्रीट पे जा रहे हो अपना काम खत्म करने के बाद, और सामने से स्ट्रीट पे से आप देखो बहुत सारी भीड़ एकदम से भागती हुई आपको दिखाई दे आपकी तरफ, एक जैसे ये आ रही है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं करोगे, आप भी इनकी तरफ भागोगे, बुरी तरीके से जान बचाने के लिए भागो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बिना सोचे समझे। लुढ़क पुड़क होते हुए बैग वैग जाए भाड़ में, हम छुप जाएंगे कहीं किसी दीवार की आड़ में, और ये देखा ये सारी भीड़ तो छट गई, ये भी नहीं सोचा ये क्यों भाग रहे थे, जॉगिंग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। नो स्मोकिंग जोन में जो स्मोक कर रहे हैं उन्हें सबक कैसे सिखाया जाए, इस वीडियो में हम देखेंगे आगे। देखो इन्होंने यहाँ पे सिगरेट चलाई, अब एक भीड़ आई बहुत सारी जो इन्हें पूरी तरीके से घेर लेगी, इन्हें भी समझ नहीं आ गया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और सिगरेट पीने की मना थी, सिगरेट हम भी पीएंगे, सिगरेट जलाई सबने एक साथ, धुआं करा, अब इनके मुंह ही मुंह पे धुआं मारेंगे, ले ले पी सिगरेट पी। मारना नहीं है, धुआं छोड़ रहा है, इतना धुआं धुआं कर देंगे कि तू सिगरेट का धुआं पीना भूल जाएगा अगली बार से। अरे बहुत ही सही तरीका उनके लिए जो नॉन स्मोकिंग जोन में स्मोक करते हैं। एक अनजान व्यक्ति अनजान शहर में अनजाने लोगों के बीच में खाली रास्ते से अपनी मंजिल की ओर चला जा रहा था, तभी उसे दिखाई देता है सामने से बल्ले लेके एक गैंग उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। लड़का घबरा के पीछे मुड़ जाता है, मगर पीछे भी कहाँ जाए, पीछे देखा उसने एक और गैंग आ रहा है। अब इन दोनों की गैंगों की लड़ाई है आपस में, और ये बेचारा बीच में फिस गया, अब मैं इधर को जाऊँ कि इधर को जाऊँ, दोनों तरफ से रास्ता बंद है, ना इधर जा सकता ना उधर जा सकता, दोनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे, लड़का ले लिया बेचारा बीच में, और दे डंडे और दे डंडे चलते लड़ाई होते, समझ नहीं आ रहा मैं किधर को जाऊँ किधर को ना जाऊँ, फंस गया हूँ बिल्कुल, जैसे मेट्रो की भीड़ में दिल्ली मेट्रो से उतरते टाइम फंस जाते हैं गेट पर। लड़ाई ख़त्म हो गई, सब अपने अपने रास्ते चले गए, बेचारे इसे कुछ समझ नहीं आया ये क्या हुआ, हे प्रभु हे श्री राम हे कृष्ण जगन्नाथ हम प्रेमानंदी ये क्या हुआ, चश्मा भी बाहर आ गया मेरा, टोपा भी गिरा गए। अब इस रास्ते से नहीं आऊँगा, ऐसे रास्ते से तो दूरी भली। आइए मैम बैठिए, हम आपके मुंह पर टावल लगा देते हैं और आपके बालों को शैम्पू कर देते हैं, शैम्पू करने के बाद 10 मिनट का वेट करिए मैडम, जब तक 10 मिनट के बाद में आपका बाकी का प्रोग्राम सेट किया जाएगा। लेकिन 10 मिनट बाद में जब मैडम उठ के देखती है तो मैडम का नज़ारा सारा बदला हुआ है। मैडम ने देखा धीरे धीरे अपने मुंह से तौलिया हटा के बाल शैम्पू में करे हुए, कहाँ है मुझे कौन अटेंड करेगा, मुझे अटेंड करने वाले तो सारे लौटे हुए हैं यहाँ पे, अरे मेरे बाल कौन काटेगा, मेरे बाल कौन धोएगा, मेरे सिर के बाल, मेरे जूएँ कौन निकालेगा। उठा के देखते हैं, अरे मेरे बालों को काट सो गई क्या, ये सारों को क्या हो गया, चलो कोई नहीं अगर हो गया यहाँ से निकल जाती हूँ सीढ़ियों में से, मेरे शैम्पू के पैसे बच जाएंगे। ओहो बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं सारे, मैडम भागी सड़क पे, ए भैया भैया मेरे खुले पैसे रह गए ऊपर दुकान पे, कोई मेरे पैसे खुले करवाओ, मैंने 500 का नोट दिया था, 147 रुपये की मेरी कटिंग थी, बाकी के पैसे दिलवाओ मेरे। ऊपर उनके दराज में रखे हुए हैं और वो सो रहे हैं। Subscribe now.